संजय दत्त जल्द ही अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी भूमि में नजर आएंगे। फिल्म के सेट पर संजय दत्त की पत्नी मान्यता अक्सर बच्चों के साथ देखी जाती थी। संजय ने मान्यता से फरवरी 2008 में शादी की थी। 22 जुलाई 1969 को दिलनवाज शेख उर्फ मान्यता का जन्म मुंबई की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। हालांकि उनकी परवरिश दुबई में हुई। दुबई से मुंबई आई मान्यता सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई बड़ा रोल नहीं मिला तो वो बी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी थी। मान्यता और संजय दत्त की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। इसके बाद से दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और मान्यता ने फिल्में छोड़ने का मन बना लिया था। संजय दत्त जानते थे कि मान्यता ने 2005 में बी ग्रेड मूवी लवर्स लाइक अस में काम किया है और वो इससे खुश नहीं थे। संजय खुद भी नहीं चाहते थे कि वो इस तरह की फिल्मों में काम करें। इसके बाद संजय दत्त ने मान्यता की इस फिल्म के राइट्स 20 लाख रुपए में खरीद लिए। यहां तक कि मान्यता के प्यार में वो इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने मार्केट से इस फिल्म की सीडी और डीवीडीज हटाने में भी पूरी ताकत लगा दी। करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने फरवरी 2008 में शादी कर ली थी। संजय दत्त और मान्यता की उम्र में करीब 20 साल का अंतर है। संजय दत्त जहां 57 साल के हो चुके हैं, वहीं मान्यता की उम्र महज 37 साल की है। 2003 में आई प्रकाश झा की फिल्म गंगाजल में मान्यता ने एक आइटम सॉन्ग अलहर जवानी किया था। इसी के बाद मान्यता को बॉलीवुड में पहचान मिली। मान्यता जब बॉलीवुड में आई तो उन्होंने अपना नाम सारा खान रख लिया था। हालांकि गंगाजल में काम करने के बाद प्रकाश झा ने ही उन्हें नया स्क्रीन नेम मान्यता दिया। संजय दत्त ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा जबकि दूसरी रिया पिल्लई थी। बाद में उन्होंने 2008 में मान्यता से शादी की। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।